जैसा कि आपको मालूम है, आज सरकार राजस्थान के अंदर बदले हुए 9 महीने हो चुके हैं। सरकार ने हमारे से, हम जब आंदोलन कर रहे थे तो उन्होंने वादा किया था कि अगर हमारी सरकार राजस्थान के अंदर आती है तो हम जो आपकी जायज़ मांगे उनको सबको लागू करेंगे। 9 महीने बीत जाने के बाद भी परिवहन मंत्री से बार बार सकारात्मक बात होने के बावजूद भी कोई धरातल पर ऐसा काम नहीं दिख रहा है जो राजस्थान रोडवेज उद्योग को बचाया जा सके। आज कर्मचारियों में इतना आक्रोश है, ना तो सेवानिवृत्त कर्मचारियों के पेंशन भुगतान, रिटायरमेंट एसोसिएशन जो रिटायरमेंट कर्मचारी है उनका भुगतान नहीं मिल पा रहा है, कर्मचारियों को समय पे 1 तारीख को तनख्वाह नहीं मिल पा रही है, कोई बोनस की चर्चा नहीं है, पिछली बार भी बोनस गई सरकार ने नहीं दिया और आज भी ये सरकार किसी भी धरातल पर कोई काम करने को तैयार नहीं है। कर्मचारियों ने इतना आक्रोश है कि जिसका राजस्थान के जबरदस्त आकलन नहीं कर सकते। आने वाले टाइम में अगर सरकार हमारी जो प्रमुख मांगे हैं, नई 1500 गाड़ियाँ खरीद की, रोडवेज में 8000 से ज़्यादा कर्मचारियों के पद रिक्त हैं जिनके भर्ती करने की, और नए सातवें वेतन आयोग लागू करने की, रिटायरमेंट कर्मचारियों का पेंशन और भुगतान करने की है, जो सरकार ना तो ध्यान दे रही है और ना किसी तरह की हमारी इस वार्ता के लिए बुलाने के बावजूद, सकारात्मक बात करने के बाद भी कोई धरातल पर काम नहीं कर रही है और ना ही आज तक किसी रिटायरमेंट कर्मचारी को भुगतान किया जा रहा है और ना 9 महीने से समय पर तनख्वाह कर्मचारी को मिल पा रही है। अब अगर सरकार नहीं मानती है तो हम 17 अक्टूबर को 2 दिन यहाँ 10-11 का धरना देने के बाद में 17 अक्टूबर को सचिन पायलट जी के विधानसभा क्षेत्र में प्रदेश स्तरीय रैली निकाली जाएगी और इसके बाद भी अगर ये नहीं मानते हैं तो 1 दिन का कार्य बहिष्कार 23 अक्टूबर को किया जाएगा। इसके बाद दिवाली तक भी अगर ये सकारात्मक कोई जवाब नहीं देते और सरकार कुछ नहीं सोचती है तो दिवाली के बाद मुख्यमंत्री महोदय के विधानसभा क्षेत्र जोधपुर में भी एक विशाल रैली का आयोजन किया जाएगा। बनवारीलाल जांगिड़, क्षेत्रीय सचिव ए टेक यूनियन।